पंकज यादव ने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामा। विधानसभा चुनाव से पहले दतिया कांग्रेस को लगा एक बड़ा झटका। समाज सेवी पंकज यादव अपने 50 साथियों सहित कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो गए। मंत्री नरोत्तम मिश्रा के समक्ष उन्होंने उनके राजघाट स्थित बंगले पर अपने 50 साथियों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने युवाओं को मिठाई खिलाकर स्वागत किया और उन्हें आशीर्वाद देकर राजनीति को समाज सेवा का माध्यम बनाने के लिए कहा। इस दौरान युवा नेता पंकज यादव ने कहा कि जो विकास डॉक्टर मिश्रा ने किया है वह पिछले 50 सालों में नहीं हुआ। इसी से प्रेरित होकर मैं और मेरे साथी कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए हैं। आज हमने माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश राष्ट्रपति जी के समक्ष अपना भारतीय जनता पार्टी का गान किया है। उन्होंने जो विकास किए उनके ऐसी क्या परेशानी हुई कांग्रेस में आपको? कांग्रेस में बंटवारी चल रही है, 8-10 दल चल रहे हैं, वो आपस में लड़ते हैं, आपस में बंट लेते हैं और काम करने नहीं देते। बहुत बढ़िया। राज्य तो युवा में क्या भविष्य कांग्रेस का युवा पर? युवा में यही है कि आप गुंडागर्दी करो, गुंडागर्दी नहीं हो रही है तो लोगों को गालियाँ बको। भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किए हैं उससे हम प्रेरित हुए हैं। गुंडा राज हमें अच्छी जो है, विकास पहले नंबर पर चल रहा है। ये सारी बातें हमें सोच कर महसूस हुआ कि हम क्यों गलत लोगों का साथ दें। हम अपनी यादव समाज और हर समाज के लोगों से यही कहेंगे कि आप माननीय नरोत्तम मिश्रा जी के साथ दीजिए, जिन्होंने आज दतिया में विकास की गंगा बहाई है और आने वाले समय में हर युवा के पास रोजगार भी होगा और दतिया से प्रशांत श्रीवास्तव की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे, झांसी।